जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनावों में देरी हो सकती है। इलेक्शन को लेकर एक बड़ा अपडेट जो है वो निकल कर सामने आया है, जहां पर आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है वो चुनाव होने ही वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो सेंटर है वो ये विचार कर रहा है कि इलेक्शंस को जम्मू कश्मीर में कुछ देर के लिए जो है वो डेफर कर दिया जाए। एक बड़ा अपडेट है और आपको बता दें कि 26 सितंबर यानी कल इसको लेकर मीटिंग भी होने वाली है कि जम्मू कश्मीर में होने वाले अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव जो हैं वो कुछ देर के लिए डेफर कर दिए जाए और उसकी जगह पर लोकसभा इलेक्शन करवाने के बाद में जो है अर्बन लोकल बॉडीज के जो हैं वो चुनाव हो सके। लेकिन आप सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, आप सब लोगों ने ये भी देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि अगले महीने जो है वो म्युनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शन होंगे, उसके अगले महीने पंचायत के इलेक्शन होंगे, फिर उसके आगे जो है वो लोकसभा के इलेक्शन करवाए जाएंगे। लेकिन मैं अब आपको बता दूं कि अब सेंटर की तरफ से ये पेशकश की जाएगी कि जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनावों को टाल दिया जाए, ये सोर्सेज के हवाले से खबर मिल रही है। और ये बड़ा अपडेट क्यों है, क्योंकि आप सब लोगों को ऐसा लग रहा था म्युनिसिपैलिटी की जहाँ तक मैं बात करूँ उसके चुनावों के लोगों ने जो है वो सोच भी लिया था कि उन्हें कहाँ कहाँ कैंपेन करनी है और चुनावों के लिए तैयार हो रहे थे। इस बीच बुरी खबर ये है कि अभी चुनाव जो है वो टाल दिए जाएंगे कुछ देर के लिए, पहले लोकसभा चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे और ये बताया जा रहा है कि अप्रैल 24 में लोकसभा चुनाव होंगे, उसके बाद में अर्बन लोकल बॉडीज के जो है वो चुनाव करवाए जाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस मीटिंग को हेड करेंगे गृहमंत्री अमित शाह, क्योंकि यहाँ पर एक जहाँ पर रिपोर्ट दर्ज की गई है, मैं आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट में साफ तौर पर किया गया है, सिक्योरिटी एजेंसीज ने ये रिपोर्ट जो है वो सौंपी और जिसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में अभी अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव जो है वो नहीं करवाए जाएं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी आतंकी हमले होने का डर है। अभी आपने देखा कि कोकरनाग इनकाउंटर हुआ, बारामूला इनकाउंटर हुआ, राजौरी में जो है लगातार आप देखिए कि दहशतगर्द किस तरह से जो है वो अपना एक मेन गढ़ बना चुके हैं। तो ऐसे में अर्बन लोकल बॉडीज़ के अगर चुनाव होते हैं तो उसके लिए सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए और ख़तरा भी जो है वो ज़्यादा हो सकता है। गृहमंत्री अमित शाह इस मीटिंग को जब हेड करेंगे उसके साथ साथ डीजीपी दिलबाग सिंह होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होंगे, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता होंगे। सब जो है इस चीज़ पर जोर देंगे क्या इलेक्शन अभी होने चाहिए या बाद में होने चाहिए। आपने सुना था यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अभी जो है जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव होंगे और जम्मू कश्मीर में पता चलेगा कि हालात सामान्य है। अगर जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं फिर क्यों सिक्योरिटी एजेंसी ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये रिपोर्ट सौंपी है कि जम्मू कश्मीर में कुछ देर के लिए चुनाव टाल दिए जाएँ। अगर ये चुनाव नहीं टलते हैं तो कहीं ना कहीं इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे आप राजौरी को देख लें, चाहे आप कोकरनाग को देख लें, चाहे आप बारामूला को देख लें। अगर मैं आपको बताऊं कि कोकरनाग एनकाउंटर में हमने चार शहीद हुए हमारे पुलिस के जवान, जिसमें हमारे जो आर्मी के भी लेफ्टिनेंट थे, मेजर थे, आपको ये भी बता दूं। लेकिन अब आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है रिपोर्ट सौंपी गई है उसके हिसाब से ये कहा गया है कि यहाँ पर इन चुनावों को डेफर किया जाए। और ये जो मीटिंग होने वाली है इसमें जम्मू कश्मीर का न्यू डीजीपी कौन होगा इसके बारे में भी जो है वो विचार विमर्श होगा और डिस्कशंस की जाएंगी। लेकिन अब सेंटर ने ये पेशकश की है कि जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनावों को, अर्बन लोकल बॉडी के होने वाले चुनावों को टाल दिया जाए। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो नॉर्दर्न जोन है, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर और दिल्ली है, इनके लिए भी जो है पेशकश होने वाली है क्या इनमें चुनाव जो है वो कब होंगे। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सोर्सेज बता रहे हैं कि सिक्योरिटी एजेंसी ने जो है वो अपनी जो रिपोर्ट है वो होम मिनिस्ट्री को सौंपी और साफ तौर पर यह कहा है कि अभी कुछ देर के लिए जम्मू कश्मीर में चुनाव रोक दिए जाएं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में यहां पर आतंकवादी छुपे हुए हैं ऐसा एजेंसी को जो है रिपोर्ट मिली है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले और भी हो सकते हैं ऐसी भी जो है रिपोर्ट मिली है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि लोकसभा जो चुनाव है वो अप्रैल 2024 में होंगे, उसी के बाद अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव होंगे जिसमें म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के चुनाव हो सकते हैं। यह एक बड़ा अपडेट है कि चुनावों को टाल सकता है सेंटर। अब आप लोग जो सोच रहे थे चुनाव होंगे, आप सोचिए कि अगले साल अप्रैल से पहले आपको कोई चुनाव जम्मू कश्मीर में नहीं दिखने वाले। लेकिन कल की अहम मीटिंग के बाद में आपके साथ सारी रिपोर्ट्स और डिटेल जो है वो साझा करेंगे, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह जो है वो सबसे मुखातिब होंगे।